ई करेंसी के नाम पर लोगों से मोटा पैसा वसूल कर हड़पने वाला एक शातिर ठग कोटा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बोरखेड़ा थाना पुलिस ने एएसआई विष्णु पंकज ने बताया कि आरोपी ने पीड़ित लक्ष्मी नारायण से बिटकॉइन में निवेश करने का झांसा देकर 50 लाख रुपए हड़प लिए। आरोपी ने मार्केट के उतार चढ़ाव की झूठी जानकारी देकर उससे रुपए हड़प लिए। आरोपी मनोज पटेल खुद को बिटकॉइन कंपनी में एशियन हेड बताता था और बिटकॉइन के नाम पर ठगी के लगभग 22 से भी ज्यादा मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी और फिलहाल मनोज जोधपुर जेल में बंद था, जिसे कोटा पुलिस ने जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।